अरीबा घर पहुंचो फौरन। सब खैरियत है? अरे खैरियत ही तो नहीं है, तभी तो तुम्हें बुला रहा हूं मैं। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है मेरी। सिकलन क्या हुआ, आप ठीक है ना? अरे नहीं हूँ ठीक, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे, तुम घर पहुंचो। सिकलन आप किसी डॉक्टर को दिखाएं फौरन। अरे डॉक्टर के पास मैं कैसे जाऊंगा, तुम घर आओ बस। हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, अभी आ रही हूँ। सिकलन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे फौरन निकलना है, तुमने घबराना नहीं है। सलमा बाजी तुम्हारे पास है। आप क्या क्या हो गया, आप इतनी अफरा तफरी में कहाँ जा रही है मुझे यूं अकेला छोड़ के? अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। आप एक बार डॉक्टर को दिखा देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस खाना खाऊंगा ठीक हो जाऊं। तुम क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ भी खाने को। आपने फोन किया कि तबीयत ठीक नहीं है तो अजीब हो गई मैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब आप ठीक है। सुने मैं सोच रही थी कि रमशा को हम कुछ दिनों के लिए इस घर में ले आए। क्यों उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? फोन किया था मैंने उसे, डर रही थी रो रही थी, घर में अकेली है ना तो। देखो सलमा है वहां पे मौजूद, उसको 24 घंटे के लिए हमने इसीलिए रखा है ताकि वो उसके साथ रहे, उसको कंपनी दे। देखो रिबा ऐसा नहीं है कि मैं रमशा को यहां नहीं लाना चाहता, तो खुद काफी परेशान हूं उसकी वजह से, लेकिन अब खुद सोचो ये मसले का हल तो नहीं है ना। 4-5 रोज के लिए वो यहां रह भी लेगी लेकिन वापिस तो उसने वहीं जाना। आप सही कह रहे हैं, अब उसे अकेले रहने की खुद को आदत डालनी होगी। अच्छा परेशान मत हो, सोचते हैं इस बारे में, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैं आपको खाना निकाल दूं? क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं कुछ खास नहीं, मस्कुलर है मेरे ख्याल से, मैंने पेन किलर्स लिए हैं, ठीक हो जाएगा।